नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के निर्देश पर हुक्का बार एवं अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध प्रदेश के सभी जनपदों में एक साथ की गई छापेमारी। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने महानगर के 12 रेस्टोरेंट पर की छापेमारी। 5 रेस्टोरेंट में पाया गया हुक्का बार। 7 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। रेस्टोरेंटों को किया गया सील। यूपी के टॉप 61 माफियाओं के लिस्ट में शामिल माफिया राजन तिवारी के खिलाफ कैंट पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। गुरुवार को जिला कारागार ले जाते समय पुलिस कर्मियों को जान से मारने की दी थी धमकी। पुलिस माफिया राजन तिवारी की संपत्ति का जुटा रही है। ब्यौरा एसपी सिटी ने दी जानकारी। रविवार को खजनी थाना क्षेत्र के कर्मा हॉस्पिटल में गलत इलाज के कारण महिला की हुई मृत्यु। परिजनों के तहरीर के आधार पर हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ मुकदमा किया गया पंजीकृत। हॉस्पिटल को किया गया सील। एडिशनल सीएमओ ने कहा प्रकरण की जांच करने के लिए गठित की गई है टीम। मामले की जांच कर सौंपेंगी रिपोर्ट। जीडीए अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में 24 अगस्त को होगी जीडीए बोर्ड की बैठक। गोरखपुर शहर की महायोजना पर लगेगी मुहर। विभिन्न योजनाओं का नागरिकों को मिलेगा लाभ। ऑपरेशन त्रिनेत के संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने जनपद के ग्राम प्रधानों के साथ की बैठक। प्रधानों को बताया सीसीटीवी कैमरे से लाभ। ग्राम प्रधानों से अपने अपने चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए किया अपील। मादक पदार्थों की बिक्री करने के आरोप में राजघाट थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों अमित रावत व विनय रावत सहित एक बाल आबचारी को किया गिरफ्तार। 42.2 ग्राम नाजायज स्मैक बिक्री के 2460 रुपए किया बरामद। भेजा जेल। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर रजनीश शुक्ल ने कहा साधक से सिद्ध बनना हो विद्यार्थी का लक्ष्य। प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट रचना मानने वाली जीवंत चिकित्सा प्रणाली है आयुर्वेद। चोरी के मोबाइल के साथ एक अभियुक्त राहुल पासवान को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 4 मोबाइल किया बरामद। भेजा जेल। और गोरखपुर वन प्रभाग के भारी वैसे में बन रहा है देश में पहला रेड हेडेड वल्चर जटायु संरक्षण व संवर्धन केंद्र। वन जीव संरक्षण इको टूरिज्म के क्षेत्र में आजीविका के अवसर विषय पर दिग्विजयनाथ महाविद्यालय में गिद्ध संरक्षण संवाद का किया गया आयोजन। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन जीव उत्तर प्रदेश पीके दुबे ने कहा पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं गिद्ध, मिलेगा इको टूरिज्म को बढ़ावा। अब खबरें विस्तार से। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने रविवार को महानगर के 12 रेस्टोरेंट पर छापेमारी की, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि रविवार को उत्तर प्रदेश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में हुक्का बार व ड्रग पैडलर के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसको देखते हुए 12 रेस्टोरेंट पर छापेमारी की गई, जिसमें से 5 रेस्टोरेंट पर हुक्का बार चलते पाया गया, जिस पर से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। हुक्का बार में 2 रामगढ़ताल, 2 कैंट और 1 गुलहरिया क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति चोरी छिपे हुक्का बार चलाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस संबंध में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि 21 अगस्त को हुक्का बार एवं अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध प्रदेश के सभी जनपदों में एक साथ अभियान चलाया गया, जिसमें प्रदेश के 22 कमिश्नरेट जनपद आगरा, बरेली, गोरखपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, इटावा, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, अयोध्या, बाराबंकी, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर में संचालित 342 हुक्का बारों में दबिस और चेकिंग की कार्रवाई की गई। प्रदेश के समस्त जनपदों में अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के 4338 स्थानों पर दबिस की कार्रवाई की गई। हुक्का बार एवं मादक पदार्थों के तस्करों की दबिस की
कार्यवाही में विभिन्न अवैध मादक पदार्थ व अवांछनीय सामग्री हुक्का में फ्लेवर, हुक्का पाइप, अवैध तंबाकू, चिलम, हुक्का के पैकेट, इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क गन, नाइट क्वीन, अवैध देसी व विदेशी शराब, बियर, नशीला पाउडर, गांजा, चरस, हेरोइन, स्मैक, डाइजापाम, एल्प्राजोलम, डोडा, अफीम बरामद किए गए। इस अभियान में 702 लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया और 785 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त जनपदों में अभियान के दौरान 5,58,29,385 रुपए के मादक पदार्थ बरामद किए गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई और प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम? बिट्टू। क्या नाम है जगह का? ये मंगलम साहब। ठीक है, बंद करो इसको, सील करो। पता लग गया प्रदेश स्तर पर एडीजी एलओ महोदय के निर्देश के अनुसार विभिन्न हुक्का बारों एवं ड्रग पेडलर्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसमें जनपद गोरखपुर में कल 12 जगह रेड हुई, उनमें से 5 जगहों पर हुक्का बार चलाते हुए लोग पाए गए। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं 5 हुक्का बार जो जिसमें 2 रामगढ़ ताल, 2 कैंट क्षेत्र एवं 1 गुलेरिया क्षेत्र में हुक्का बार को सीज किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद में और इनके अलावा और किसी की हुक्का बार चलाने की सूचना नहीं आई है, लेकिन जैसे ही सूचना प्राप्त होगी तुरंत उसमें रेड मारी जाएगी एवं जो अभियुक्त है उनको गिरफ्तार करके अभी कार्रवाई की जाएगी। नशीले पदार्थों का दुरुपयोग न केवल समाज को खोखला बनाता है बल्कि नशे की समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर यूपी पुलिस ड्रग तस्करी के संपूर्ण उन्मूलन के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में दिनांक 21/8/2022 को यूपी पुलिस द्वारा हुक्का बार एवं अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध प्रदेश के 18 जनपदों एवं 4 कमिश्नरेट में संचालित 342 हुक्का बारों एवं अवैध मादक पदार्थ की तस्करों के 4338 स्थानों पर चेकिंग व दबिश की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में विभिन्न अवैध मादक पदार्थ व अवांछनीय सामग्री बरामद किए गए, जिसमें 702 अभियुक्त पंजीकृत हुए हैं एवं 785 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इस अभियान के दौरान अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी का मूल्य अनुमानित 5,58,49,385 रुपए है, जो अपने आप में एक सराहनीय उपलब्धि है। कैंट पुलिस ने यूपी के टॉप 61 माफियाओं की लिस्ट में शामिल माफिया राजन तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि यह मुकदमा रविवार की देर रात कैंट पुलिस ने दर्ज किया है। राजन तिवारी ने बीते गुरुवार को गिरफ्तारी के बाद कचहरी से जेल जाते वक्त पुलिस वालों को गाली दी थी। इतना ही नहीं, पुलिस के विरोध करने पर राजन ने जेल से छूटकर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस की गाड़ी के पीछे चल रहे माफिया समर्थकों ने सिपाहियों के रोकने पर उनसे धक्का मुक्की कर ली थी। राजन तिवारी के जेल जाने के बाद पुलिस ने इसकी शिकायत एसएसपी से की थी। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने इस मामले में तत्काल केस दर्ज करने के लिए निर्देश दिए। कैंट थाने में तैनात सिपाही जयप्रकाश यादव, शरद, सौरभ और सुजीत की तहरीर पर माफिया राजन तिवारी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और सिपाहियों को धमकी देने का केस दर्ज किया है। कैंट थाना प्रभारी को दी गई तहरीर में पुलिस वालों ने लिखा है कि 18 अगस्त की शाम सोहगौर निवासी राजन तिवारी हाल मुकाम तारामंडल खोराबार को न्यायालय में पेश करने के बाद वे लोग जिला कारागार ले जा रहे थे। कचहरी से निकलते ही राजन तिवारी उन लोगों को गाली देने लगा।
विरोध करने पर कहने लगा कि तुम लोग मुझे जेल ले जा रहे हो, वहां से निकलने के बाद किसी को नहीं छोड़ूंगा। सरकारी वाहन के आगे पीछे माफिया रहे तिवारी के समर्थक भी चल रहे थे। विरोध करने पर हाथापाई करने पर उतारू हो गए। वह पुलिस कर्मियों को डराने के साथ सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे थे, जिसके बाद SSP के निर्देश पर रविवार की देर रात्रि माफिया राजन तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के एक वांछित अपराधी राजन तिवारी को बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार किया गया, जिसमें SOG एवं कैंट पुलिस द्वारा ये गुटबक किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान उसने गिरफ्तारी होने से काफ़ी बचने के प्रयास किए एवं गिरफ्तारी होने के बाद में उसने पुलिस कर्मियों को धमकी दी और बताया गया कि जेल से बाहर निकलने पर आप लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए थाना कैंट के जो टीम गिरफ्तार करने गई थी उसी के एक कांस्टेबल द्वारा ये मुकदमा लिखाया गया है, जिसमें सरकारी कार्य में बाधा एवं धमकी देने के मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें आगे की जो विधिक कार्रवाई हो की जाएगी। थैंक यू। खजनी थाना क्षेत्र में रविवार को कर्मा हॉस्पिटल में गलत इलाज के कारण महिला की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वही घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची खजनी पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। परिजनों के तहरीर के आधार पर हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कर्मा हॉस्पिटल में एक महिला भर्ती थी जिसके बच्चे का गर्भ में मृत्यु हो गई। पेट में दर्द की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी महिला। इलाज के दौरान कोई घटना हुई जिसके बाद कर्मा हॉस्पिटल से गोरखपुर रेफर कर दिया, जिसके बाद महिला दूसरे हॉस्पिटल पर इलाज के दौरान मर गई। परिजनों का आरोप था कि कर्मा हॉस्पिटल के गलत इलाज के कारण मृत्यु हुई है, जिसके बाद एडिशनल CMO ने हॉस्पिटल का निरीक्षण कर सील कर दिया। परिजनों के तहरीर पर हॉस्पिटल के खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसके जाँच के लिए एक टीम गठित की गई है जो की प्रकरण की जाँच करेगी। वही इस संबंध में एडिशनल CMO डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि खजनी थाना क्षेत्र में एक कर्मा प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसमें एक महिला ने अपना इलाज करवाया था, जिसका वहां पर 2 दिन इलाज किया गया। उसके बाद डॉक्टर ने गोरखपुर आस्था हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया, जिसके बाद महिला की मृत्यु हो गई। जिसके बाद परिजनों ने कर्मा हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगाए कि गलत तरीके से इलाज करने पर उसकी जान गई है, जिसको लेकर खजनी में धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद CMO के निर्देश पर कर्मा हॉस्पिटल पहुंचकर वहां के कर्मचारियों का बयान लिया गया, जो कि संतोषजनक उत्तर ना दे सके, जिसके बाद हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, जिसके जांच के लिए एक अलग से टीम गठित की गई है जो कि जांच रिपोर्ट बनाएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बिना पंजीकरण के हॉस्पिटल चलाने वालों से अपील करते हुए कहा कि हॉस्पिटल बंद कर दे, नहीं तो पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग किसी मरीज का इलाज ना करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडिशनल CMO डॉक्टर AK सिंह और SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, जैसे कि हम इंसाफ चाहिए, करवाओ बेटा, उसमें जो है जैसे कि आने का सर बोल सकता है कि गिरफ्तार होगा। अच्छा, अब भाई अब अब अभी एक दिन काम कराओ, अगर नहीं है तो उसकी कार्रवाई होगी ना, उनका वो रहने का पैसा। चलो हमारा घर नरसंधी है और लड़की शादी की है कोढ़ाना में, और बाद में यह गया है कि बच्चा था 2 महीना पेट में, डॉक्टर के पास ले अल्ट्रासाउंड कर रहा है और डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड करने बाद गए बच्चा पेट में मर गया है, उसको सफाइया करना है। हम बोले सफाइया मत करो, दवा कर दे दो, उसे खलास हो जाएगा। वो बोले नहीं, दवा नहीं देंगे और हम सफाइया करेंगे। वो सफाइया कर दिया, वो बच्चे वाली जो नर्स है वो कट गया, कटने बाद से वो बच्चे के पेट में सारे शरीर भर में खून और पानी पेशाब सारा एकदम पानी बना दिया, देह सारा फूल गया। उसी लिए वो बच्चे हमारा इमरजेंसी हो गया, डॉक्टर सुनवाई नहीं करे, पूरे गोरखपुर के डॉक्टर जो है सब फेल कर दिए। कर्मा हॉस्पिटल है खजनी में, खजनी थाना बगल में।
हॉस्पिटल में रह गए हम 24 घंटे से ऊपर रह गए हैं, डेढ़ मान लीजिए कर्मा हॉस्पिटल खजनी धान थाना के दक्षिण बगल। खजनी में कर्मा अस्पताल है, प्राइवेट है लेकिन पंजीकृत है। उस अस्पताल में एक महिला ने इलाज कराया था अपना, 2 दिन वहाँ इलाज होता रहा, उसके बाद वो डॉक्टर ने रेफर कर दिया गोरखपुर में आस्था हॉस्पिटल के लिए, जहाँ 2-3 दिन इलाज के बाद महिला की मृत्यु हो गई। उसमें परिजनों ने कर्मा अस्पताल के डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने लापरवाही पूर्वक इलाज किया जिससे उसकी जान गई है। इसको लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ था खजनी में, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर के निर्देशानुसार मैं कल गया था कर्मा हॉस्पिटल पे। वहाँ मैंने देखा वो डॉक्टर और उनके कर्मचारियों के मैंने बयान लिए, बयानों में कुछ विरोधाभास महसूस हुआ मुझे, इसके आधार पे मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ तो अस्पताल को सील कर दिया गया। अग्रिम आदेशों तक उस पर एक जांच टीम जांच करेगी और भविष्य में जो उसका निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर अलग से टीम भी गठित की गई है, इसी के तहत उसकी लापरवाही है या अथवा नहीं है ये देखने के लिए एक विशेषज्ञ की टीम गठित की जा रही है। वो टीम जो है अपनी जांच करके रिपोर्ट देगी, उसके उपरांत उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैं तमाम प्राइवेट अस्पताल संचालकों से एक अपील करना चाहता हूँ कि अस्पताल संचालन एक जीवन मरण से, किसी भी व्यक्ति के जीवन मरण से संबंधित मामला होता है तो इसको अति संवेदनशीलता के साथ लें। अप्रशिक्षित लोग किसी का इलाज या ऑपरेशन न करें। अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जहां अप्रशिक्षित लोग इलाज या ऑपरेशन कर रहे हैं तो उनके अस्पताल निश्चित तौर पर सील किए जाएंगे, बंद किए जाएंगे, और जितने अपंजीकृत अस्पताल संचालक हैं वो कृपया अपने अस्पताल बंद कर दें क्योंकि वो अस्पताल चलने नहीं दिए जाएंगे। लगातार छापेमारी की कार्रवाई होती रहेगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के कार्यालय और निर्देशानुसार भी टीमें जांच कर रही हैं और हमारे अपन निदेशक स्वास्थ्य गोरखपुर मंडल के अधीन आने वाली टीम भी इसमें लगातार जांच और कार्रवाई कर रही है। तो किसी भी अपंजीकृत अस्पताल संचालक को चलने नहीं दिया जाएगा और अप्रशिक्षित लोग किसी भी पंजीकृत अस्पताल में ऑपरेशन या इलाज न करें अथवा उनके खिलाफ सख्त और कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक महिला जिसका बच्चा बताया जाता है कि गर्भ में ही मृत हो गया था, पेन की वजह से उनके यहाँ एडमिट हुई थी और उपचार के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ जिसकी वजह से उन्होंने रिफ़र कर दिया जो दूसरे सेंटर पर उपचार के दौरान मर गई। परिजनों का आरोप था कि उन्होंने लापरवाही बरती। डिप्टी सीएमओ साहब भी आए थे, उनका अस्पताल चूँकि वहाँ कोई मरीज नहीं थे इस नाते फिलहाल सीज कर दिया गया है। लापरवाही की तहरीर पर एक मुकदमा मेडिकल विभाग के संज्ञान में ले आकर के थाना खजनी पे पंजीकृत है, लेकिन जो विधिक व्यवस्था है क्वालिफाइड डॉक्टर के खिलाफ जब तक मेडिकल बोर्ड गठित होकर के और उसकी लापरवाही साबित न हो जाए उसके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इस नाते जिलाधिकारी महोदय को एक रिपोर्ट जा रही है कि सीएमओ के माध्यम से बोर्ड गठित करा करके और उस पर जो मेडिको लीगल अभिमत है वो अभिमत प्राप्त हो जाएगा, तदनुसार पुलिस आगे की कार्यवाही करेगी। जीडीए बोर्ड की 24 अगस्त को अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न होगा, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि गोरखपुर शहर की महायोजना बनकर तैयार हो गई है, जिसको लेकर 24 अगस्त को मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक की जाएगी, जिसके बाद भी नागरिकों के पास 1 महीना रहेगा। उस 1 महीने के अंदर कोई भी नागरिक अपना सुझाव दे सकता है, उसके सुझाव पर भी विचार किया जाएगा। लगभग 1 महीने के बाद महायोजना को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि महायोजना को 25 लाख जनसंख्या के आधार पर बनाया गया है,
पिछली बार 9 लाख जनसंख्या के आधार पर बनाया गया था। इसमें नागरिकों के फायदे की बहुत सी चीजें हैं जिसका लाभ लागू होने के बाद लोगों को मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीयू उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए जो शहर की महायोजना है वो बन के तैयार हो गई है इसकी, और इस संबंध में 24 तारीख को बोर्ड की बैठक है और बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा, उसके बाद वो पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। उसके बाद भी पब्लिक के पास मौका रहेगा एक महीने का अपना सुझाव देने का, तो जो भी वो सुझाव देंगे उसको इसके इनकॉर्पोरेट भी किया जाएगा। तो 24 के बाद मुझे लगता है कि एक महीने यानी 25 सितंबर के आसपास ये लागू हो जाएगा। सर किन किन चीज़ों को रखा जाएगा? नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी यहाँ शहर की समस्याएं हैं, जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में लोगों ने सुझाव दिए थे। खासकर शहर का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, तो जब पिछले बार महायोजना बनी थी तो वो 8-9 लाख के हिसाब से बनी थी, अब उसको 25 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से बनाया गया है। तमाम यहाँ कॉलोनियाँ हैं जो कि रेगुलाइज नहीं हुई थी, तो उसका भी इसमें प्रोविज़न किया गया है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जब 24 को ये बोर्ड में रखा जाएगा तो वो पब्लिक के लिए ओपन होगा, तो उसमें और भी बिंदु स्पष्ट हो जाएंगे। एडीजी जोन अखिल कुमार ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के संबंध में तारामंडल स्थित योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में जनपद के सभी प्रधानों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि अपराध पर रोक लगाने पर सीसीटीवी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको देखते हुए 500 गांव के प्रधानों के साथ बैठक की गई है और ऑपरेशन त्रिनेत्र के बारे में बताया गया है कि कैसे प्रधान अपने गाँव के चौराहों को गोद लेकर अपराध पर रोक लगा सकते हैं। सभी प्रधानों से आह्वान किया गया है कि अपने गांव में सभी लोग सीसीटीवी लगवाएं, जिस पर सभी प्रधानों ने अपनी सहमति जताई है। अगर सभी गांवों में एक एक सीसीटीवी कैमरा लग जाता है तो निश्चित ही अपराध पर लगाम लगेगा, जो कि अपराधियों के लिए बुरी खबर है। सीसीटीवी से शहर के बहुत सी घटनाओं का खुलासा हुआ है। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, सीडीओ संजय कुमार मीना, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, आए हुए समस्त प्रधान भाइयों और जहां महिला प्रधान है उन सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकाला और यहाँ आए। कमिश्नर साहब का विशेष धन्यवाद कि जो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अब मैं पहले भी आप लोगों से बातचीत कर चुका हूं जो आपके विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं, और पहले भी मेरे को हमेशा जब भी कुरान भाई यहां आते हैं मेरा हमेशा अनुरोध रहता है अपने सीडीओ साहब से और डीपीआरओ साहब से कि मुझे अवश्य बताइए, क्योंकि मेरा मानना है कि अपने लोकतंत्र में जो सबसे मजबूत और सबसे मूलभूत इकाई है वो आपकी इकाई है, और हमारा प्रधान जो है अपने अपने गांवों में उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे विकास के लिए, चाहे कानून व्यवस्था के लिए या देश के तरक्की के लिए। अगर हमारा गाँव आगे बढ़ेगा तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, और उस जो परंपरा है और जो इस विकास यात्रा है, जो प्रगति यात्रा है, उसमें ग्राम प्रधान जो कि एक गांव का चयनित मुखिया होता है वह सबसे अग्रिम भूमिका अदा करता है। आप एक तरह से अपने गांव के मुख्यमंत्री हो, आप हर प्रकार के निर्णय लेते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, और जब आप एक बार चयनित हो जाते हो तो अपने गांव की समस्त समस्याएं, समस्त जो जन आकांक्षाएं हैं उनके लिए आप उत्तरदायी होते हैं। आपके कई भूमिकाएं हैं, आज मैं सर्वप्रथम जिसके लिए विशेष रूप से आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है उस विशेष अभियान के बारे में थोड़ी बात करूंगा, जो ये त्रिनेत्र अभियान है। त्रिनेत्र हम सब लोग जानते हैं, भगवान शंकर जी का तीसरी आंख के बारे में बात होती है, वहीं से हम लोगों ने इंस्पायर होकर इस नाम को रखा है। उद्देश्य ये है कि जो पब्लिक स्पेस है, जो हमारे चौराहे हैं, उन पर हम सीसीटीवी लगाकर अपने क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाना। अभी हाल में कई ऐसी घटनाएं हुई जो सीसीटीवी के माध्यम से जिन घटनाओं का बड़ा सटीक अनावरण हुआ। अभी गोरखनाथ थाना क्षेत्र में एक हत्या होती है और उसमें नामजद अभियोग भी आ जाते हैं, परंतु सीसीटीवी जब देखे गए तो उसमें सही नाम और अभियुक्त सब दिख गए,
तो ये पता चल गया कि किन लोगों ने हुआ। पहले क्या हो गया, कोई नामजद हो गए वो जेल चले जाते थे, असली अभियुक्त कई बार लाभ उठा लग चलते थे जब उनका सटीक साक्ष्य नहीं मिलता। एक हिस्ट्री शीटर है, उसने गोली चला दी यहाँ पर एक हॉस्पिटल के सामने में, सूरज सिंह नाम, उसका सीसीटीवी में कैद हो गया कि वो गोली चला रहा था। इसी प्रकार एक शराब के दुकान पर एक हिस्ट्री शीटर ने गोली चला दी, उसका सीसीटीवी में कैद हो गया। महदीपुर चौराहे के पास एक मंदिर में के सामने एक गरीब महिला रहती थी, उसकी हत्या हो गई। क्यों, तो एक स्मैकी ने किया था, अगर कोई और दिन होता तो शायद पुलिस सफल नहीं हो पाती। क्या था, उसके घर पे सामने एक सीसीटीवी लगा था, वो दिख गया, उससे आइडेंटिफाई हो गया, स्थानीय ही था और वो घटना अनावरण हुई। तो ऐसे अनेकों सक्सेस स्टोरीज हैं जो आप लोगों को इस सीसीटीवी लगाने के अभियान में हम लोग को आगे बढ़ना है। तो उस क्रम में हम लोगों ने कुछ प्रगति ऑलरेडी शहर में, गोरखपुर शहर में ये अभियान हमने शुरू किया, पूरे जोन में शुरू किया, और मुख्य जोन हमने चूंकि शहरी क्षेत्र को हम लोगों ने प्राथमिकता दी वहां से शुरू किया। फिर हमने आपके DPRO साहब, CDO साहब, कमिश्नर साहब के साथ बात की कि क्या हम इसको ग्रामीण क्षेत्र में ले जा सकते हैं। तो ये लगा कि ये बहुत आसानी रूप से हम अपने प्रधान भाइयों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना को ले जा सकते हैं। कई हमारे प्रधान भाई इस क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर भी चुके हैं, ऐसा नहीं है कोई नई चीज है और नई बात है, परंतु हम लोगों ने फिर क्या किया कि मैपिंग कराई अपने क्षेत्र में कि आपके ग्रामीण क्षेत्रों में कहां कहां आवश्यकता है। हमारे दोनों पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और पुलिस अधीक्षक उत्तरी यहाँ आए हुए हैं, उन लोगों ने इस पर एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहां कहां आवश्यकता है। फिर उन चौराहों को आइडेंटिफाई किया जो सड़क जा रही है कि वो किस गाँव की सीमा क्षेत्र में पड़ता है, और उसके हिसाब से फिर आप लोगों को आमंत्रित किया गया कि आइए इसमें हम लोग भाग लें। हर गांव में एक चौराहे पर सीसीटीवी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। उसी क्रम में ये प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, इसको आगे जो पहला बिंदु हमने आपको पूर्व में बताया गया है कि इसमें मुख्यतः आपकी मदद से जो लोग इच्छुक है उनकी मदद से चौराहों को हम गोद ले रहे हैं, और उस गोद लिए हुए चौराहों पर हम सीसीटीवी लगा रहे हैं। नेक्स्ट हमने लिखी है कि इसमें पहली भूमिका है कि आप उसको ग्राम प्रधान या ग्राम सभा जो है उस कैमरा को लगाएगा, और उसको लगाने को चलने वाले जो खर्च आता है उसका और स्थान की हो तो आपको ज्यादा बेहतर लगता है, तो आपसे हमारा भी पुलिस ऑफिसर कॉन्टेक्ट करेगा और आप दोनों मिलकर वो जगह तय कर देंगे जो जहाँ लग रहा है, जो सामने की दृष्टि पहुंचे डायरेक्ट हो रहा है उसमें हमारे विभाग का पूरा लेना देना है। कैमरा लगाने वाले इसी के साथ आपका समझौता पत्र होगी साइन होगा जो वो AMC के जरिए करा रहे हैं। मेरा सुझाव ये है कि जब आप कैमरा लगाएंगे कि आपको सिर्फ है कि वो स्थान हम चिन्हित करेंगे आपके सहयोग से, वो CCTV जब वो लग जाएगा तो उसका हम ऑपरेशन जैसे वो CCTV लग रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, इसकी चेकिंग हम लोग करते रहेंगे, और जहाँ इंटरनेट लगा होगा इंटरनेट से वो कनेक्ट हो सकता है, डिस्कस करके उन्हीं वेंडर से आप लगाएंगे तो जल्दी आपका काम होगा। आपको थोड़ा प्रगति देता हूँ कि जो जयपुर शहर में 7 जून से शुरू हुई थी, और अभी जब हमने आजादी का 75वीं वर्षगांठ मनाया तो सहयोग वर्ष जिसमें लोग आते हैं अपराध करके वो भाग जाते हैं उसको मैप कराया हमने, और ये एक गूगल मैप में दिखा रहा है कि ये हमारे उत्तरी क्षेत्र में किन किन जगहों पर ज्यादा, और ग्राम प्रधान के साथ हर गाँव में हमारा जो आपको निरंतर सही है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे ग्राम प्रधान महत्वपूर्ण है, और कहीं भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की कोई आपके साथ उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ है थाना क्षेत्र में, तो आप 54 00 147 और प्रधान ही पहला व्यक्ति होता है जो उनके साथ, तो धन्यवाद इसके कि आप लोगों आपके तरफ से नीचे पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश है कि प्रधानों को तहजीब किया जाए। मैं प्रयास करते रहता हूँ कि बहुत प्रधान लोग मुझसे मिलते रहते हैं और मैंने प्रयास किया हूँ, और सबसे अच्छी बात क्या है आपकी इस प्रोग्राम का वो है कि चाहे उसी के लिए हम लोग आज आए हुए, देखिए आप लोगों का हो चाहे मध्य क्षेत्र का हो चाहे उत्तर क्षेत्र का हो, हर जगह आने वाला है,
ऑलरेडी जो मेरे संज्ञान में है वही कम से कम 2-3 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट गोरखपुर में आने वाले हैं। इसके साथ साथ आप एक चीज ये भी देख लीजिए, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट महाराजगंज में आ रही है, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा एक चेक पोस्ट वहां आने वाला है, वहां पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, कम से कम 2-3 हजार से ज्यादा लोग वहां पे काम में सरकार तैनात करेंगे और वो लोग जब रहेंगे वहां पे उनका फैमिली सब गोरखपुर में ही रहेंगे, उसका भी सुविधा सभी लोगों को मिलेगा। आप खुद महसूस कर लीजिए जो पहले का जो, क्योंकि मैं गोरखपुर में मैं अभी पहली बार तो नहीं आया हूं, मैं यहां से पहले भी यहां जिलाधिकारी के रूप में मैं तैनात रहा हूं और मैं काम भी किया हूं, आप लोगों को भी बहुत लोग 2-4 मतलब 10-20 लोग तो मेरे साथ काम भी किए होंगे, तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि उस समय भी मैं कहता था कि गोरखपुर का ग्रोथ को कोई रोक नहीं पाएंगे, गोरखपुर केवल एक जिला और एक मंडल के लेवल पर मत सोचना चाहिए, एक प्रदेश से बड़ा हट करके है, क्योंकि आप गोरखपुर मंडल का ही पॉपुलेशन हम ले लेंगे 1.5-1.6 करोड़ है, उसके साथ साथ हम बस्ती मंडल का करीब एक करोड़ आबादी के लिए गोरखपुर पूरा, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, हर तरीके से हम मदद करते हैं। इसके साथ साथ बिहार का 2-4 जिले पूरा गोरखपुर के साथ जुड़े हुए हैं, नेपाल के लोग जुड़े हुए हैं, तो इस दृष्टि से आप देखेंगे तो आने वाले दिन में गोरखपुर का ग्रोथ कितना हो सकता है कि वो हम लोगों का समझ से भी बाहर है, तो कृपया आप लोगों का सहयोग का जरूरत है, जो प्रधान लोग कह रहे हैं, जो परेशानी आप लोग महसूस कर रहे हैं, हम लोग जितना हो सकता है हम लोग मिलते हैं, हो सकता है कुछ लोग मिले भी नहीं होंगे मेरे से आपको, मैं ऐसा नहीं है कि एडीजी साहब का दरवाजा हो कि हमारा दरवाजा हो, हर समय खुला रहता है, हमने कभी किसी को मना नहीं किया है कि और आप प्रॉब्लम लेकर आए हुए हैं, मगर नीचे लेवल का जो प्रॉब्लम आप कह रहे हैं वो है, चाहे वो अभी सीडीओ साहब बैठे हुए हैं, मैं कल भी उनसे बात कर रहा था, आपका डीपीआरओ साहब बैठे हुए हैं, कि ग्राम पंचायत अधिकारी का इश्यू हो या ग्राम विकास अधिकारी का इश्यू हो, कोई भी तालमेल में कोई दिक्कत है, कृपया आप सीडीओ साहब से एंड डीपीआरओ साहब से मिल लीजिए, उनके तरफ से जो मदद आपको मिलना चाहिए हम लोग दिला देंगे। सर हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हमें जिले में बुला के मीटिंग में या किसी चीज में बुलाया जाता है और बताया जाता है किसी भी कार्य या अन्य प्रणालियों के बारे में, और जो भी लोग प्रेयर करते हैं प्रशिक्षण करते हैं बहुत खुशी होती है, लेकिन सर हम आपको ये पूर्ण रूप से उम्मीद दिलाना चाहते हैं कि ग्राम सभा में जो भी ईमानदारी से और तय दिल से ईमानदारी से लड़के वो काम पूर्ण करता है, या सामुदायिक सामुदायिक वो क्या कहते हैं शौचालय हो या पंचायत भवन हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का रूम हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का चयन करना हो, सर अगर आज आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि यहाँ ये जो जिला है गोरखपुर इसे उत्तम बनाने के लिए, तो सर ये आप ही लोगों की देन है कि ये आज यहाँ पहुंचा हुआ है, आप ये भी मानने को तैयार है कि जो आपके नीचे अधिकारीगण हैं उनकी कुछ लापरवाहियां हैं जिनके कारण हम लोग उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं यही प्रदेश है और यही सब कुछ है, लेकिन जब से मुख्यमंत्री जी हुए हैं प्रशासन की बात करते हैं लोग, कैसे बात करते हैं, केवल एक ही बातें बदलने से हुआ है केवल मुख्यमंत्री जी के और उन्हीं की देन है। आप यहाँ देखिए काफी तेजी से इसके प्रचार प्रसार में ग्राम प्रधानों की भूमिका अहम हो जाती है, और आज हम लोगों ने मीटिंग की, करीब 500 ग्राम प्रधान ग्रामीण क्षेत्रों से आए थे और उनसे आह्वान किया गया है कि इसको अपने अपने गाँव में लगवाएं, मेरे ख्याल से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है, और हर गांव में अगर एक एक जगह भी सीसीटीवी प्रारंभिक तौर पर लग जाता है तो बहुत तेज़ी से ये अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जाएगा और अपराधियों के लिए एक बुरी खबर है मैं इतना कह सकता हूं, और आने वाले समय में ये जो नेटवर्क है ये पूरे गोरखपुर जनपद को सेफ डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए बहुत ही दूरगामी परिणाम देने के लिए ये साबित होगा। देखिए ऑलरेडी करीब 75 चौराहों पे हमारे लोग आ चुके हैं और उसमें अभियान को और आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, जो उद्यमी हैं और अन्य व्यापार मंडल के लोग हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, तेज़ी से जुड़ रहे हैं इसमें, और उसके आपको सकारात्मक परिणाम कई मिले हैं, कई घटनाएँ हाल में हम लोग वर्कआउट करने के लिए संभव हो सके हैं, और इसका डिटरेंस आप ट्रैफिक में देखें,
है, अब अपराध में भी दिखने लगेगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के निर्देश पर हुक्का बार एवं अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध प्रदेश के सभी जनपदों में एक साथ की गई छापेमारी। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने महानगर के 12 रेस्टोरेंट पर की छापेमारी। 5 रेस्टोरेंट में पाया गया हुक्का बार। 7 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। रेस्टोरेंटों को किया गया सील। यूपी के टॉप 61 माफियाओं के लिस्ट में शामिल माफिया राजन तिवारी के खिलाफ कैंट पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। गुरुवार को जिला कारागार ले जाते समय पुलिस कर्मियों को जान से मारने की दी थी धमकी। पुलिस माफिया राजन तिवारी की संपत्ति का जुटा रही है। ब्यूरो एसपी सिटी ने दी जानकारी। रविवार को खजनी थाना क्षेत्र के कर्मा हॉस्पिटल में गलत इलाज के कारण महिला की हुई मृत्यु। परिजनों के तहरीर के आधार पर हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ मुकदमा किया गया पंजीकृत। हॉस्पिटल को किया गया सील। एडिशनल सीएमओ ने कहा प्रकरण की जांच करने के लिए गठित की गई है टीम। मामले की जांच कर सौंपेंगी रिपोर्ट। जीडीए अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में 24 अगस्त को होगी जीडीए बोर्ड की बैठक। गोरखपुर शहर की महायोजना पर लगेगी मुहर। विभिन्न योजनाओं का नागरिकों को मिलेगा लाभ। ऑपरेशन त्रिनेत के संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने जनपद के ग्राम प्रधानों के साथ की बैठक। प्रधानों को बताया सीसीटीवी कैमरे से लाभ। ग्राम प्रधानों से अपने अपने चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए किया अपील। मादक पदार्थों की बिक्री करने के आरोप में राजगढ़ थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों अमित रावत व विनय रावत सहित 1 बाल आबचारी को किया गिरफ्तार। 42.2 ग्राम नाजायज स्मैक बिक्री के 2460 रुपए किया बरामद। भेजा जेल। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर रजनीश शुक्ल ने कहा साधक से सिद्ध बनना हो विद्यार्थी का लक्ष्य। प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट रचना मानने वाली जीवंत चिकित्सा प्रणाली है आयुर्वेद। चोरी के मोबाइल के साथ एक अभियुक्त राहुल पासवान को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 4 मोबाइल किया बरामद। भेजा जेल। और गोरखपुर वन प्रभाग के भारी वैसे में बन रहा है देश में पहला रेड हेडेड वल्चर जटायु संरक्षण व संवर्धन केंद्र। वन जीव संरक्षण इको टूरिज्म के क्षेत्र में आजीविका के अवसर विषय पर दिग्विजयनाथ महाविद्यालय में गिद्ध संरक्षण संवाद का किया गया आयोजन। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन जीव उत्तर प्रदेश पीके दुबे ने कहा पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं गिद्ध, मिलेगा इको टूरिज्म को बढ़ावा। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगो की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजघाट थाने की पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो अभियुक्त व एक बाल आबचारी को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को अमरूद मंडी से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अमित रावत पुत्र विनोद रावत निवासी अमरूद मंडी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, दूसरा विनय रावत पुत्र विनोद रावत निवासी अमरूद मंडी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, तीसरा एक बाल आबचारी के रूप में हुई है, जिसके पास से 42.2 ग्राम व स्मैक बिक्री के 2460 रुपए नगद बरामद किया गया है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, टीपी नगर चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह, कांस्टेबल देवेंद्र यादव, हृदयेश सिंह, अशोक यादव शामिल रहे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ल ने कहा कि साधक से सिद्ध बनकर मानवता की सेवा करते हुए समाज और राष्ट्रहित में योगदान देना हर विद्यार्थी का लक्ष्य होना चाहिए। आयुर्वेद की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य और भी खास हो जाता है, क्योंकि यह चिकित्सा की उस प्राचीनतम पद्धति से जुड़े हैं जो हर व्यक्ति को एक विशिष्ट रचना मानने वाली जीवंत चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेद का अध्ययन व इसके बाद का कार्य स्वर्ण में सुगंध की स्थिति लाने वाला नोबल प्रोफेशन है। प्रोफेसर शुक्ल सोमवार अपरहन महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बाला पार्क गोरखपुर के प्रथम स्थापना दिवस 28 अगस्त के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के शुभारम्भ पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। एलोपैथी होम्योपैथी और आयुर्वेद की सरगर्मित व्याख्या करते हुए प्रोफेसर शुक्ल ने कहा कि आज सर्वत्र एलोपैथ नहीं बल्कि मॉडर्न मेडिसिन की डिग्री दी जाती है। एलोपैथ रोग से मुक्ति तक केंद्रित है, जबकि आयुर्वेद रोग के निदान के साथ उन कारणों को भी खोजता है जिनसे आयु बल बुद्धि विवेक का होता है और जिनसे कष्ट मिलता है। सभी प्रकार की पीड़ा से मुक्ति ही आयुर्वेद का लक्ष्य है। प्रोफेसर शुक्ल ने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन का विकास वास्तव में टेक्नोलॉजी का विकास है और ऐतिहासिक और सफलताओं के बाद भी इससे अपना रुतबा बना लिया है। कोविड संकट काल में पूरी दुनिया जान गई है कि इसके वायरस के लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इलाज नहीं है, तब सिर्फ बचाव और जोर दिया गया। हम सभी जानते हैं कि वायरस आइसोलेशन और सैनिटाइजेशन का ज्ञान आयुर्वेद में बहुत प्राचीन काल से है। चेचक, खसरा व छुआछूत की बीमारियों के होने पर नीम के पत्ते का इस्तेमाल इसी ज्ञान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के अनुसार कोई ऐसा द्रव्य, वनस्पति, जीव या रचना नहीं है जिसका औसत रूप में प्रयोग ना हो सकता हो। आयुर्वेद में एक ही द्रव्य से 7-8 प्रकार की दवाएं तैयार होती हैं, या आयुर्वेद की ताकत ही है कि यूनाइटेड नेशन ने स्वास्थ्य की परिभाषा के रूप में फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ के साथ अब स्पिरिचुअल हेल्प को भी स्वीकार किया है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे आयुर्वेद की संहिताओं के गुण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संस्कृत का अध्ययन अवश्य करें। प्रोफेसर शुक्ल ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के मेडिकल एवं पैरामेडिकल विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आपके पास अपने जीवन को गौरवशाली बनाने का महान अवसर है। यह आप सभी का सौभाग्य है कि आपकी शिक्षा किसी सामान्य प्रोफेशनल संस्थान की बजाय महायोगी गोरखनाथ के नाम से सृजित इस विश्वविद्यालय में हो रही है।
अपने नाम के अनुरूप ही यह विश्वविद्यालय अति विशिष्ट है और यह गोरक्षपीठ की महान संत परंपरा के विचारों से अनुप्राणित हो रही है। उन्होंने कहा कि अपनी श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर विश्वास रखते हुए अन्य चिकित्सा पद्धतियों की अच्छाइयों को भी स्वीकार करिए और समग्र चिकित्सा के क्षेत्र में श्रेष्ठतम योगदान दीजिए। प्रोफेसर शुक्ल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए पंचप्रण को भी अपनाने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महायोगी विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने कहा कि प्राचीन काल में हमारी सभ्यता बहुत उन्नत थी, आज हम सबके सामने उसे आगे बढ़ाने की चुनौती है। देश की गुलामी के दौर में खासकर अंग्रेजी शासन काल में शिक्षा को मूल्यों से दूर करने की कोशिश की गई। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी ने इस विसंगति को पकड़ा। उनका स्पष्ट मानना था कि हमारी शिक्षा दासता से मुक्त होनी चाहिए। मूल्य परक और राष्ट्रीयता आधारित शिक्षा के लिए उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के रूप में एक पौधा लगाया। आज यह विश्वविद्यालय उन्हीं के सद्विचारों को आगे बढ़ा रहा है। कार्यक्रम के अंत में आभार ज्ञापन साध्वी नंदन पांडे ने किया। प्रथम स्थापना दिवस के उद्घाटन समारोह में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. प्रदीप कुमार राव, गुरु गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्राचार्य डीएस अजीता, गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज के प्रोफेसर गणेश बी पाटिल, डॉ. प्रज्ञा सिंह, डॉ. सुमित कुमार, डॉ. दीपू मनोहर, डॉ. पीयूष वर्मा, डॉक्टर एस एन सिंह, डॉक्टर जसोबेन, डॉक्टर प्रिया नायर आदि की सक्रिय सहभागिता रही। मंच संचालन सांभवी शुक्ला व आशीष चौधरी ने किया, जबकि धनवंतरी एवं सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दीक्षा मांपी राय, साक्षी सिंह ने की। वंदे मातरम का गान मधुलिका सिंह, अंशिका जायसवाल, कहकसा आशमा खातून, स्वाति सिंह ने किया। इस अवसर पर सभी शिक्षक व BAMS प्रथम वर्ष के विद्यार्थी उपस्थित रहे। सप्त दिवसीय व्याख्यानमाला के अंतर्गत 23 अगस्त को अपराह्न 3 बजे से भारतीय सेना का अग्निपथ विषय पर सेवानिवृत्त मेजर जनरल अजय कुमार चतुर्वेदी तथा महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉ. अतुल वाजपेयी विचार व्यक्त करेंगे। कैंट थाने की पुलिस ने चोरी के मोबाइल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रामपुर चौराहा से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राहुल पासवान पुत्र देवसरन पासवान निवासी वीर बहादुरपुरम थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 4 चोरी का मोबाइल बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उपनिरीक्षक अंजनी कुमार, कांस्टेबल संजय यादव, वैभव श्रीवास्तव, कविंदर कुमार शामिल रहे। रामायण काल में राजगिद्ध जटायु की गाथा सभी जानते हैं, लेकिन पर्यावरणीय खतरे के चलते जटायु के वंशजों के अस्तित्व पर ही संकट आ गया। इस संकट को दूर करने का संकल्प उठाया है योगी सरकार ने। राजगिद्ध रेड हेडेड वल्चर के संरक्षण व संवर्धन के लिए गोरखपुर वन प्रभाग के भारी वैसी में देश का पहला रेड हेडेड वल्चर संरक्षण व संवर्धन केंद्र बनाया जा रहा है। इस केंद्र के बनने से राजगिद्धों की संख्या बढ़ेगी तो इनके जरिए पर्यावरण की शुद्धता भी। विलुप्त होती प्रजातियों में शामिल इन जीवों को देखने के लिए सैलानियों की आमद बढ़ने से इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी के मद्देनजर वन्यजीव संरक्षण इको टूरिज्म के क्षेत्र में आजीविका के अवसर पर सिविल लाइन स्थित दिग्विजयनाथ महाविद्यालय के प्रांगण में गिद्ध संरक्षण संवाद का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन्यजीव PK दुबे रहे।
जिनका स्वागत अंग वस्त्र से महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा किया गया। आपको बता दें कि विद्यालय के छात्र छात्राओं को राजगिद्ध रेड हेडेड वल्चर के संरक्षण व संवर्धन के बारे में बताया गया। राजगिद्ध रेड हेडेड वल्चर कैसे खत्म हो रहे यह सभी को बताया गया कि जो बीमार जानवर होते हैं उनको डीटाफिनाल दवा दी जाती है। जानवर को मर जाने के बाद जब गिद्ध उनको खाते हैं तब दवा का केमिकल गिद्ध के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद वे मर जाते हैं। उस दवा की वजह से धीरे धीरे गिद्ध खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया तीनों को मिलाकर 99% राजगिद्ध रेड हेडेड वल्चर खत्म हो गए। गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत महाराजगंज जिले में भारी वैसी में भारत के पहले रेड हेडेड वल्चर प्रजनन एवं संवर्धन केंद्र के निर्माण के लिए सरकार रकम जारी कर चुकी है। सितंबर के पहले शनिवार 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। डीएफओ के मुताबिक वन विभाग का प्रयास है कि सभी कार्य पूर्ण कराकर इस तिथि विशेष पर जटायु संरक्षण व संवर्धन केंद्र का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों कराया जाए। 5 हेक्टेयर जमीन पर बनाए जा रहे इस केंद्र के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और प्रदेश सरकार के बीच में 15 साल का समझौता हुआ है। गिद्धों के संरक्षण के लिए शेड्यूल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इनको संरक्षित और सुरक्षित रखने के नियम बनाएं। वर्तमान में दुनिया में बहुत कम गिद्ध बचे हैं। इसे देखते हुए गोरखपुर वन प्रभाग द्वारा तैयार डीपीआर के मुताबिक इस जटायु संरक्षण केंद्र से आगामी 8-10 साल में 40 जोड़े रेड हेडेड वल्चर छोड़े जाने का लक्ष्य है। गिद्ध संरक्षण से पर्यावरण के शुद्धि का माध्यम मिलेगा। यह सभी जानते हैं कि गिद्ध प्रकृति को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। संरक्षण केंद्र बनने से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा जिसमें देश विदेश के लोग पहुंचकर देश की प्रकृति व वातावरण का अनुभव साझा करेंगे। गिद्ध संवर्धन केंद्र के निर्माण से पर्यटन की संभावनाएं भी आगे बढ़ेंगी। इस अवसर पर वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं उपनिदेशक BNHS डॉक्टर विभू प्रकाश सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाविद्यालय की छात्रा सृष्टि अलक्षित, पल्लवी सिंह और DFO विकास यादव एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उत्तर प्रदेश PK दुबे ने कहा। अतिथिगण से मिलने को और कि आपका यहाँ इस प्रांगण में आगमन हुआ, आप सबसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि अब और लेट ना किए बिना हम लोग पुष्पांजलि ऐसे और अब हमारे मुख्यमंत्री और समस्त भूमिका में है प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उत्तर प्रदेश श्री KP दुबे जी। हार्दिक स्वागत है आपका। वन्य जीव उत्तर प्रदेश हमारे बीच हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हम अंदर से स्वागत भी करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अक्षय सिंह जी, IQAC संयोजक। सर आप लोग भी थोड़ा आगे आएंगे। जो आज का विषय है उसके संबंध में हम आपके बीच उपस्थित हैं। मीडिया के बंधु कुछ हैं, उनको मैंने अभी 2 मिनट की बाइट थी, उसमें मैंने अपना विषय बताया है, वो अवगत होंगे। जो ये विषय है आज का, अति बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आप सभी जो जीव विज्ञान के छात्र होंगे, बायोलॉजी के छात्र होंगे, विशेष करके जो प्राणी शास्त्र विभाग के छात्र होंगे, वह इसको बहुत अच्छे से और हम जब सभी जन सामान्य इसको जानते हैं कि गिद्ध हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण तंत्र में कितने महत्वपूर्ण है और हमको पता नहीं कितने लोगों से हमें बचाते हैं
और प्रकृति के शोधक माने जाते हैं। आप जानते हैं कि जितने भी जो जंगली जानवर हैं, वन्य जीव हैं और हमारे जो मवेशी हैं, गाय है, भैंस है, जो जो पालते हैं, बकरी है, जो भी पालते हैं, जिनकी जो अंतिम उसको प्राप्त करते हैं, गति को प्राप्त करते हैं, ऐसे जानवर जो छोड़े जाते हैं उनकी सफाई का काम जो और भी इसके साथ गिद्ध के साथ और भी जानवर हैं, लेकिन गिद्ध जो सफाई करते हैं वो अंतिम रूप वही सफाई को देते हैं। अगर किसी अन्य जैसे बाघ है, गेंदुआ है या जो सियार है, इस तरह के भी प्राणी अगर किसी कैरकस को खाते हैं तो उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें उसमें बची रह जाती हैं जिसको कि अंतिम शोधक के रूप में गिद्ध ही काम आते हैं। तो आप इस बात को समझिए, विशेष करके जो प्राणी विज्ञान और जो वनस्पति शास्त्र के लोग हैं, छात्र हैं हमारे दोस्त या जो हमारे अध्यापकगण हैं, प्राचार्य और सह प्राचार्यगण हैं, ये लोग इसको समझ सकते हैं। और आज की डेट में तो इतना आउटरीच हो गया है कि मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति हम में से इतना सामान्य विज्ञान तो जानता ही है, चाहे आप अपने पर तैयारी करने के लिए हम इस संरक्षण केंद्र को आगे और बढ़ाएं। इसमें मुख्य रूप से जो यह संरक्षण केंद्र है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देश का एकमात्र यह संरक्षण केंद्र होगा। सृष्टि, हमें गिद्ध के बारे में जानने को मिला कि किस तरह से वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इसका मेन रीज़न ये है कि एक दवा होती है जो वेटनरी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जो बीमार जानवर होते हैं उनको देने के लिए, डाइक्लोफेनाक। तो वो दवा जब गाय या जो भी जानवर खाते हैं जब बीमार पड़ते हैं, और उसके बाद जब गिद्ध उस मरे हुए जानवर को खाता है तो वो केमिकल्स उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर उसके बाद गिद्ध मर जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे करके उस दवा के वजह से गिद्ध ख़त्म होते जा रहे हैं। इतने ख़त्म हो गए हैं कि नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया तीनों को मिला के 99% वल्चर्स ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ 1% बचे हुए हैं। पल्लवी सिंह, एक कॉलेज में, दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज में नेचुरल, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के कुछ प्रोफेसर्स आए हुए हैं जो इसके, जिसे आज संवाद कक्ष एक स्थापित किया गया है, जिसमें वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हम गिद्धों को कैसे संरक्षित करें, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पूरे 99% तक के गिद्ध विलुप्त हो चुके हैं, केवल 1% बचे हैं, इसलिए उसे उन्हें संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और इसी बारे में वो बताने आए हैं कि हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, हम गिद्ध को कैसे संरक्षित करें। गिद्ध हमारे इन्वायरमेंट के, इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे जो डेड एनिमल्स होते हैं जो मर जाते हैं उन्हें साफ़ करने के, मतलब उन्हें खा करके हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ करते हैं, क्लीन रखते हैं, तो बहुत ज़रूरी है उन्हें बचाना। और इसी बारे में वो बताने के लिए आज हमारे यहाँ, हमारे कॉलेज में आए हैं। उनसे सीख हमें यही मिली है कि हमें जो, हम जो दवा यूज़ करते हैं जिसका डाइक्लोरोफिनैक नाम है, वो दवा यूज़ करते हैं हम गायों को, उन्हें गायों को बीमार में ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, उस दवा को हम कम से कम यूज़ करें या फिर उसकी जगह किसी और दवा का यूज़ करें, क्योंकि वो गाय मरती हैं तो उन्हीं गायों को खा के गिद्ध, फिर उन्हें परेशानी होती है, गिद्ध भी मर जाते हैं, तो उन दवा की जगह किसी और दवा का यूज़ करें। अलक्षता, यहाँ पर हमें एक ब्रोकन विंग करके एक मूवी दिखाई गई, 9 मिनट की शॉर्ट फिल्म दिखाई गई, उसमें हमें बताया गया कि ये जो वल्चर्स हैं उनके मरने की वजह से क्या हो रहा है, ना जो डेड एनिमल हैं उनको खाने के लिए, उनको खाने के लिए जब डॉग्स आ रहे हैं तो वो डॉग्स खाकर उनको बहुत एग्रेसिव हो जा रहे हैं, तो इसके वजह से और जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और जो एनिमल्स हैं वो जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो छोड़ रहे हैं उसको फिर डाइजेस्ट करने के लिए ये वल्चर्स ख़त्म हो जा रहे हैं, जिसके वजह से वो हमारे सॉइल को बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें वायरसेस फैला दे रहा है, जिसके वजह से आगे चल के किसी भी, मतलब अगर खेत में अगर कोई भी चीज़ क्रॉप करना है तो उसके वजह से वो सारे टॉक्सिकेंट उसमें चले जा रहे हैं, और इनडायरेक्टली वो ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन सोसाइटी को ही हमारे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आज जो है गोरखपुर में हम लोगों ने गिद्ध संरक्षण को उद्देश्य मानते हुए और गिद्ध संरक्षण के लिए हम लोग जो गिद्ध सेफ जोन, जो हमारे उत्तर प्रदेश में पहली बार देश में एक नई पहल के दौरान बनाया जा रहा है, इसमें एक 100 किलोमीटर रेडियस को त्रिज्या लेते हुए जो है लगभग 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का हम लोग एक एरिया का जो चयनित कर लिया गया है उसको वल्चर सेफ जोन बना रहे हैं। उसी की तैयारी की समीक्षा के लिए कि उसमें हम लोग ने कितनी तैयारी कर ली, आगे कितना करना है, वन विभाग उत्तर प्रदेश और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में
कार्यशाला को आयोजन किया गया था। इसमें पहले तो अब ये समीक्षा की गई कि जो वेल्थ सेफ जोन है उसमें जो हमारे अलग अलग वन प्रभाग हैं उसमें क्या कार्य हो रहा है और गिद्ध संरक्षण के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं और आगे में क्या किया जा रहा है। इसी की कड़ी में अभी हम लोग ने जो है दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर जो महाविद्यालय है वहाँ पर अभी हम लोग इस संवाद का आयोजन किया जिसमें युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करते हुए युवाओं को गिद्ध संरक्षण, वन्य जीव और वन के संरक्षण के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें इसके साथ ही गिद्ध संरक्षण के और वन्य जीव संरक्षण के साथ ही इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार को किस तरह से अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं और युवा अपना भविष्य किस तरह इस क्षेत्र में देख सकते हैं उस संबंध में भी जो है संवाद किया जाएगा और युवाओं को मौका दिया जाएगा कि वो अपना कोई भी प्रश्न है इस संबंध में वो खुल के पूछ सकते हैं ताकि इस संबंध में और समाज में जागरूकता फैले। गिद्ध जो है एक बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं हमारे पर्यावरण को संतुलन में रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए और उनका विलुप्त होना कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए भी एक गंभीर विषय है। उसी सब इन्हीं सब चीज़ों को चर्चा करते हुए आज यह कार्यशाला का आयोजन किया गया। गिद्ध संरक्षण जो हम लोग रेड हेडेड वल्चर के संरक्षण केंद्र के रूप में जो भारी बैंसी में कैंपियरगंज के पास हम लोग ये केंद्र स्थापित कर रहे हैं और इसमें उद्देश्य ये है कि जो हमारे विलुप्त प्राय जो यह प्राणी है रेड हेडेड वल्चर जो राजगिद्ध होता है इसके संरक्षण के लिए यह एक ब्रीडिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया जा रहा है। आशा यह है कि यहाँ पर हम रेड हेडेड वल्चर की ब्रीडिंग करा करके और इन जो हमारे नए शिशु उत्पन्न होंगे इन्हें हम और वयस्क अवस्था में ले जाएंगे और जब यह वयस्क अवस्था में आ जाएंगे तो इन्हें फिर हम इनके जो सुरक्षित क्षेत्र हैं वन क्षेत्रों में और कृषि क्षेत्रों में जहाँ भी सुरक्षित क्षेत्र हमें मिलेंगे 100 किलोमीटर के दायरे में उनमें इन्हें छोड़ने की योजना है और हम समझते हैं कि इसको हम शीघ्र ही इसको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से इसको प्रारंभ करेंगे और गिद्ध संरक्षण में एक मील का पत्थर स्थापित करने में सफल होंगे। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के निर्देश पर हुक्का बार एवं अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध प्रदेश के सभी जनपदों में एक साथ की गई छापेमारी। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने महानगर के 12 रेस्टोरेंट पर की छापेमारी। 5 रेस्टोरेंट में पाया गया हुक्का बार। 7 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। रेस्टोरेंटों को किया गया सील। यूपी के टॉप 61 माफियाओं के लिस्ट में शामिल माफिया राजन तिवारी के खिलाफ कैंट पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। गुरुवार को जिला कारागार ले जाते समय पुलिस कर्मियों को जान से मारने की दी थी धमकी। पुलिस माफिया राजन तिवारी की संपत्ति का जुटा रही है। ब्यौरा एसपी सिटी ने दी जानकारी। रविवार को खजनी थाना क्षेत्र के कर्मा हॉस्पिटल में गलत इलाज के कारण महिला की हुई मृत्यु। परिजनों के तहरीर के आधार पर हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ मुकदमा किया गया पंजीकृत। हॉस्पिटल को किया गया सील। एडिशनल सीएमओ ने कहा प्रकरण की जांच करने के लिए गठित की गई है टीम। मामले की जांच कर सौंपेंगी रिपोर्ट। जीडीए अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में 24 अगस्त को होगी जीडीए बोर्ड की बैठक। गोरखपुर शहर की महायोजना पर लगेगी मुहर। विभिन्न योजनाओं का नागरिकों को मिलेगा लाभ। ऑपरेशन त्रिनेत के संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने जनपद के ग्राम प्रधानों के साथ की बैठक। प्रधानों को बताया सीसीटीवी कैमरे से लाभ। ग्राम प्रधानों से अपने अपने चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए किया अपील। मादक पदार्थों की बिक्री करने के आरोप में राजघाट थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों अमित रावत व विनय रावत सहित एक बाल आबचारी को किया गिरफ्तार। 42.2 ग्राम नाजायज स्मैक बिक्री के 2460 रुपए किया बरामद। भेजा जेल। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर रजनीश शुक्ल ने कहा साधक से सिद्ध बनना हो विद्यार्थी का लक्ष्य। प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट रचना मानने वाली जीवंत चिकित्सा प्रणाली है आयुर्वेद।
चोरी के मोबाइल के साथ एक अभियुक्त राहुल पासवान को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का चार मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। और गोरखपुर वन प्रभाग के भारीवैसी में बन रहा है देश में पहला रेड हेडेड वल्चर जटायु संरक्षण व संवर्धन केंद्र। वन जीव संरक्षण इको टूरिज्म के क्षेत्र में आजीविका के अवसर विषय पर दिग्विजयनाथ महाविद्यालय में गिद्ध संरक्षण संवाद का किया गया आयोजन। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन जीव उत्तर प्रदेश पी के दुबे ने कहा, पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं गिद्ध, मिलेगा इको टूरिज्म को बढ़ावा। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।